लाइफ इज अ रेस, अगर तुम भागोगे यू विल प्रोबेबली सक्सीड, बट इफ यू स्लो डाउन यू विल फॉल अपार्ट। यू हैव टू कीप रनिंग इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स। अल्हम्दुलिल्लाह माय जर्नी इज गोइंग एज दैट आई हैव प्लान्ड। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा जो बनना चाहता था इंजीनियर लेकिन बन गया व्लॉगर। अ क्वेश्चन राइज़ हियर कि ये बच्चा व्लॉगर बना कैसे, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हिज स्टोरी। मेरी कहानी शुरू होती है इस 4 साल के बच्चे से जो कि दरिया के किनारे खड़ा लहरों को देख रहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर मिल जाती उसके दरिया से समंदर पार कर। दूसरे बच्चों की तरह जब मुझे भी बचपन में घर वाले खिलौने ला के देते थे मुझे उनसे खेलने के लिए, मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि ये बना किस तरह, ये काम किस तरह करता है। और इसी तरह क्यूरियोसिटी नई नई चीज़ें देखने की, न्यू एक्सप्लोरिंग की। आई एम ऑलवेज अप टू न्यू थिंग्स, न्यू एडवेंचर्स एंड सर्चिंग न्यू स्टफ। एंड देन आई हैड फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन माई लाइफ। खानदान वाले और अम्मी अबू जी कहते थे तुम पढ़ना नहीं चाहते, हम पागल हो तुम्हारे खानदान में। इन ऑर्डर टू डिस्कवर माई सेल्फ आई इंस्पायर्ड बाई माई डैड, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ गुजरात। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं एक फोटोग्राफर फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ एज बींग फोटोग्राफर, वो मुझे मना करते रहे। बिकॉज वो जानते थे कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग का स्कोप बहुत कम है। लेकिन तब मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। देन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग, वीडियोज भी बनाई, स्किट्स भी बनाई, लेकिन मुझे उनमें वो फील नहीं थी आ रही जो मैं चाहता था। देन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, आई स्टार्टेड डिस्कवरिंग माई सेल्फ, आई फाउंड आउट कि मुझे में क्या खूबी है क्या खामी है। मैंने अपनी खामियों को खूबियों में बदला। इट्स मेक मी वेरी कम्प्लिश एंड वेरी हैप्पी। और ये बात सच है कि अगर कोई काम तुम अपने शौक से करते हो, अपने पैशन से करते हो, तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मैंने अपने मॉम डैड की सोच को बदला। और ये बात हकीकत है, अगर तुम किसी की सोच को बदल सकते हो तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो। मेरे लिए मेरे पैशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आई एम नथिंग विदाउट माई मॉम डैड एंड यू। ये वही लड़का है जो आज से 14 साल पहले उस दरिया के किनारे खड़ा लहरों से हम कलाम था। और ये थी मेरी बियॉन्ड मी स्टोरी। आई होप यू ऑल गेट अ लिटिल मोटिवेशन फ्रॉम इट। एंड देयर इज वन मोर थिंग, इफ़ आई हैड गिव अप अर्लियर तो आज मैं यहाँ पे आपको अपनी बियॉन्ड मी स्टोरी ना सुना रहा होता। एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इस्माइल AKA सैम।